अंजलि को बचपन से ही कुत्तों से बहुत नफरत है, क्योंकि एक बार एक कुत्ते ने उसको काटा था, जिसकी वजह से उसे इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। अब वो हमेशा कुत्तों से दूर रहने की कोशिश करती है और साथ ही कुत्तों को कहीं भी देखती है तो पत्थर मारकर भगा देती है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। चल चल। अरे यार, तू कुत्तों से इतनी नफरत क्यों करती है? इतना भी क्या बिगाड़ा है इन कुत्तों ने तेरा? याद नहीं, पिछले साल एक आवारा कुत्ते ने मेरी टांग का क्या हाल कर दिया था? आज तक घाव के निशान नहीं मिटे हैं और कभी कभी दर्द भी होता है। तू भी तो कम नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, पहले तू ही उसे छेड़ रही थी। अब जानवरों के साथ मस्ती करेगी तो यही हाल होगा ना? मैं तो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मुझे क्या पता था कि वो मुझे काट ही देगा। खैर छोड़, रहने दे। अब तो तुझे पता चल गया है ना कि बेमतलब किसी को परेशान करेगी तो नुकसान तुझे भी होगा। हाँ पता चल गया है, इसीलिए तो अब मैं इन कुत्तों को अपने पास भी नहीं फटकने देती हूँ। हाँ हाँ यार, तेरी तो किस्मत ही खराब है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। सीमा और अंजलि बात कर रहे होते हैं कि तभी एक कबूतर ऊपर से अंजलि के सिर पर टट्टी कर देता है। ये देखकर सीमा हंसने लगती है। इस बेवकूफ कबूतर ने, अभी तो नहाकर निकली थी, अब मुझे फिर से बाल धोने पड़ेंगे, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है इन जानवरों और पक्षियों पर। अंजलि घर जाती है और फिर से नहाती है। जब वो नहाकर निकलती है तो उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। अंजलि बेटा, तेरे लिए दूध और नाश्ता रखा है, जल्दी से खा लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अंजलि अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देती और अपने फोन में गेम खेलने लगती है। कुछ देर बाद एक बिल्ली आती है और अंजलि का दूध का गिलास गिराकर दूध पीने लगती है। गिलास के गिरने की आवाज़ से अंजलि किचन में आती है और देखती है कि बिल्ली ने उसका नाश्ता खराब कर दिया है। ओहो, ये बिल्ली भी ना, मेरा ही दूध गिराना था इसको भी। मेरा बस चले तो मैं इन बिल्लियों को गाँव में ही ना रहने दूँ। अंजलि नीचे गिरा हुआ दूध साफ कर ही रही होती है कि उसकी माँ किचन में आ जाती है। ले कर दिया ना बिल्ली ने तेरा नाश्ता खराब, तब से कह रही थी कि पहले नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, पर नहीं, तुझे तो गेम खेलना था, अब रह भूखी, यही तेरी सजा है। इसी तरह हर जानवर और पक्षी के साथ अंजलि की कुछ न कुछ अनबन थी, जिस वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ अंजलि की जानवरों के साथ नफरत भी बढ़ने लगी। अब वो किसी जानवर या पशु पक्षी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ये जानवर हमेशा ही मेरा नुकसान करते हैं। मेरा बस चले तो मैं अपने गांव के सभी जानवरों को भगाकर दूसरे गांव पहुंचा दूं। पर अंजलि की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां सभी लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी जानवर या पशु पक्षी को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करते हैं। अंजलि की सास और उसका पति दोनों ही जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उन्हें घर लेकर भी आते हैं। अरे बेटा, तूने कल उस कुत्ते को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया था ना? हाँ माँ, मैंने उसकी पट्टी करवा के उसे गली में छोड़ दिया है। पट्टी करवा दी पर गली में क्यों छोड़ा? जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे घर ले आ। पर माँ, अब तो घर में जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँगा उसको? बाहर हाल में सो जाया करेगा, और वैसे भी आजकल गर्मियों के दिन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। अंजलि का पति उस कुत्ते को गली से उठाकर अपने घर ले आता है और लकड़ी लेने के लिए जंगल जाता है। वहाँ देखता है कि एक शिकारी हिरन पर निशाना लगा रहा है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? मैं शिकारी हूँ, शिकार नहीं करूँगा तो क्या जानवरों को खाना खिलाते बैठूंगा? मुझे मेरा काम करने दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शिकारी उसकी बातों को अनसुना करके हिरण पर तीर चला देता है और तीर हिरण को लग जाती है, जिसके बाद हिरण जख्मी होकर भागने लगता है। ये क्या कर दिया आपने? उस बेजुबान जानवर को तीर से जख्मी कर दिया? आपके अंदर दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे मत समझाओ। मैं एक शिकारी हूँ, मेरा काम ही शिकार करना है। शिकारी अंजलि के पति से बात कर रहा था कि तभी हिरण उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और शिकारी इस बात के लिए अंजलि के पति को जिम्मेदार ठहराता है। देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा शिकार हाथ से निकल गया, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं परेशान करने के लिए। शिकारी गुस्से में यहां से चला जाता है। अंजलि के पति को हिरण की उस हालत पर दया आती है और वो उसकी तलाश करने जंगल में निकल पड़ता है और कुछ देर ढूंढने पर उसको हिरण एक जख्मी हालत में मिलता है। मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, घाव बहुत अंदर तक हो गया है।
अंजलि का पति उस हिरन के पेट पर लगा तीर निकाल देता है और उसको अपने साथ घर ले जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा शेर मिलता है जो कि मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। वो शेर को जगाने की कोशिश करता है। तुम मुझे कुछ बीमार लग रही हो। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ इसीलिए आसानी से शिकार नहीं कर पाता। कई दिनों से खाना नहीं खाया है इसीलिए भूख से मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम मेरे जानवरों को नुकसान ना पहुंचाने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अब अंजलि का पति हिरण के साथ साथ शेर को भी अपने घर ले जाता है। ये देखकर अंजलि बहुत चिढ़ जाती है। बस इसी की कमी थी और वो भी आज तुमने पूरी कर दी। अरे क्या जरूरत थी शेर को घर लाने की। ये बेचारे जंगल में भूख से बेहोश हो गया था इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। और यहाँ तो खाने के भंडारे लगे हैं ना, जो सभी को इस घर में लाते रहते हो। घर की हालत देखी भी है तुमने, अनाज के नाम पर एक बोरी गेहूँ और चावल भी नहीं है सही से। तुम चिंता क्यों करती हो, हम इन लाचार जानवरों की मदद करेंगे तो कुछ पुण्य ही कमाएंगे हम, और भगवान भी इस काम में हमारी मदद करेंगे। अंजलि को सभी जानवरों से बहुत नफरत थी। खास तौर पर वो कुत्ते और शेर को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी वो जहाँ भी जाती कुत्ता और शेर उसके पीछे बॉडीगार्ड की तरह चलते रहते थे। एक शाम जब अंजलि जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ रही थी तो कुछ लुटेरे उसके पीछे लग जाते हैं और उसका सोने का हार छीन लेते हैं। चोर, चोर, मेरा सोने का हार, अरे कोई पकड़ो उनको। लुटेरे हार लेकर भागने लगते हैं, पर तभी शेर भी उनके पीछे दौड़ता है और कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए एक लुटेरे की टांग काट लेता है। लुटेरा डर के मारे हार छोड़कर भाग जाता है। कुत्ता अपने मुंह से हार को उठाकर अंजलि के पास ले आता है। मुझे माफ कर दो टॉमी और शेर चाचू, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही और आज तुम लोगों ने ही उन लुटेरों से मेरा हार बचाया। पता है वो हार मेरे घर वालों ने दिया था। कोई बात नहीं बिटिया, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो तुम्हारे सारे ससुराल वालों से बहुत प्यार करता हूँ और इसी प्यार ने मुझे बदल भी दिया। कभी तुमने देखा है किसी शेर को रोटी सब्जी खाते हुए? ये तुम सबके प्यार की ताकत है जो एक मांस खाने वाले जानवर भी अनाज खाने लगे हैं। अंजलि, शेर और कुत्ता तीनों घर आते हैं। अब अंजलि भी नफरत को छोड़कर सभी जानवरों से प्यार करने लगती है और सभी लाचार जानवरों को अपने घर लेकर आती है। ऐसा करते करते इनका पूरा घर जानवरों और पक्षियों से भर जाता है। अरे वाह, हमारा घर भी अब किसी चिड़िया घर से कम नहीं है। जब लोगों को पता चलता है कि अंजलि के घर में इतने सारे जानवर हैं, तो लोग जानवरों को देखने के लिए आने लगते हैं। अंजलि सभी को टिकट खरीदने के लिए कहती है। जल्दी ही टिकट के पैसों से इनके पास बहुत ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं और सभी एक कार खरीदकर उसमें कुछ जानवरों को साथ लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं।